बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे कैन एंड कुड का इस्तेमाल। कैन जो है प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल होता है और कुड जो है पास्ट के लिए। इसकी पहचान है कर सकना, कर सकता। इसमें जो है वर्ब की पहली फॉर्म आती है। इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस कैन कुड प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ। शी कैन राइट लेटर, वो खत लिख सकती है। शी कुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम, वो मसला हल कर सकी। ही कुड कीप फास्ट, वो रोज़ा रख सका। नेगेटिव है इसके मनफी सब्जेक्ट प्लस कैन कुड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, शी कैन नॉट राइट लेटर, शी कुड नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ही कुड नॉट कीप पास्ट। इंट्रोगेटिव है सवालिया कैन कुड प्लस सब्जेक्ट मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कैन आई स्पीक इंग्लिश, कैन शी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कुड शी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कुड ही कीप पास्ट। होमवर्क में है इसी तरह के आप 30 या 35 सेंटेंसेस बनाएं। ये बहुत ही इसका इस्तेमाल जो बहुत ही सिंपल से और आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। मज़ीद अपडेट के लिए आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेज पर, ट्विटर पर। आपको जो यहाँ से सब लिंक्स मिल जाएंगे फेसबुक के, ट्विटर के। ये ट्यूटोरियल जो है अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज़।